हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हो रही है हमारी जावास्क्रिप्ट के बारे में। और अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट इन योर पेज, ठीक है, कि फंक्शंस आप किस तरीके से यूज करेंगे, या अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है विदाउट यूजिंग फंक्शन, तो दो टाइप्स हमने जावास्क्रिप्ट का कोड देखा था, एक यूजिंग फंक्शन और एक विदाउट यूजिंग फंक्शन। ओके, लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं कि यदि मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को यूज करना है, तो क्या जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप को यूज करना है? जैसे हमने सी में पढ़ा है कि अगर हमें किसी वेरिएबल को यूज करना है, देन फर्स्ट वी नीड टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल। बट समझना, जावास्क्रिप्ट डू नॉट हैव एनी डेटा टाइप, मतलब देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द क्लाइंट मशीन ब्राउजर। तो यहां पर आप देखिए, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में इफ आई नीड टू यूज एनी वेरिएबल, ओके, जैसे यहां पर मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूं, इफ आई गो फॉर अ न्यू पेज, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने रख दिया टेस्ट वेरिएबल, ओके, डॉट html, एंड फॉर द बेसिक टैग वी नीड टू डिक्लेयर इट html/html, ओके, देन वी विल गो फॉर हेड टैग /head tag, और हमने टाइटल दे दिया, क्योंकि ये बेसिक टैग्स हैं जो आपको जावास्क्रिप्ट के किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, टेस्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, ओके। तो यदि मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल को यूज करना है, तो जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, जावास्क्रिप्ट डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो हमने यहां लिख दिया स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और ये काम हम, ये जो कोड हम लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं हेड सेक्शन में, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड अगर आपको लिखना है, देन यू हैव टू यूज हेड सेक्शन फॉर दैट, बट नॉट कंपलसरी। दैट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इसको बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ओके। एंड हियर वी हैव अ बॉडी टैग। तो अब यहां पर अगर हम बात करें कि सपोज अगर मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, सिंपली मैंने लिख दिया a=50+50, सी दिस वन, तो यहां पर आप a को डिक्लेयर कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन डिक्लेयर दिस वेरिएबल विद var कमांड, मैंने लिख दिया var a, ओके, सो दैट आई विल जस्ट डिक्लेयर दिस वेरिएबल, ओके, एंड एवरी कमांड ऑफ जावास्क्रिप्ट इज टर्मिनेट विद सेमीकोलन, ओके, एंड इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस, तो यदि मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, प्रिंट दिस वेरिएबल a, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि यदि आपका जो डेटा है, इफ दिस वेरिएबल कंसिस्ट बोथ इंटीजर वैल्यूज, सो व्हाट इज द रिजल्ट वी विल गेट हियर, राइट, इंटीजर प्लस इंटीजर, मतलब मैंने यहां पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, बट दिस वेरिएबल डोंट हैव एनी डेटा टाइप। जिस टाइप का डेटा आप इस वेरिएबल में असाइन करेंगे, ये वेरिएबल उस टाइप की वैल्यू कंसिस्ट करेगा। यदि मैंने अभी इसमें इंटीजर लिया है, सो दैट द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल इज इंटीजर, ओके। तो इफ आई रन दिस कोड, सपोज मैंने अगर इसको रन किया, तो स्क्रिप्टिंग के बाद बॉडी टैग में हमने सिंपल लिख दिया h1 में टेस्ट वेरिएबल कोड, ठीक है, टेस्ट वेरिएबल कोड सिंपल /h1, ओके, एंड इफ आई रन दिस कोड, सी व्हाट इज द आउटपुट आई विल गेट हियर 100, और यदि मैं इस 100 को थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूं कि मान लो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि यू कैन ऑल्सो यूज html टैग विद दिस, तो यदि आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सपोज फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड एंड साइज इक्वल टू सपोज 10, एंड आई विल क्लोज दिस फॉन्ट टैग हियर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड आई विल जस्ट क्लोज दिस फॉन्ट टैग, एंड इफ आई रन दिस, सी दिस वन, आई विल गेट दिस 100 हियर, ओके, दैट मींस द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल राइट नाउ इज इंटीजर, ओके। बट सपोज यदि मैं सेम स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ आई राइट द सेम स्टेटमेंट अगेन विद द वेरिएबल b, ओके, b इक्वल टू 50, एंड आई विल कंसीडर दिस 50 एज एन स्ट्रिंग। हमने पढ़ा है डबल कोट्स में जो भी डेटा हम लिखते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश करिए कि यदि मैंने एक 50 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली है, एंड अनदर 50 इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट आई विल गेट हियर। अगर मैं बी को प्रिंट करता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सपोज ए, एंड द सेकंड वैल्यू आई विल प्रिंट दिस बी हियर, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, तो वी कैन ऑल्सो यूज बी आर टैग। तो यदि हमने लिख दिया यहां बी आर,
and I'll just run this code. What will it get here? 5050. That means when you can use string with integer. So this is the concatenation. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यहां पर मैंने दोनों के टाइप नहीं दिए, ना मैंने ए का टाइप बताया ना मैंने बी का टाइप बताया, और आप देखिए बी को मैंने डिक्लेयर भी नहीं किया है। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल, बट एज पर द कोडिंग स्टैंडर्ड हम ये बोलते हैं भले ही टाइप ऑफ द वेरिएबल हम डिक्लेयर ना करें, बट सॉरी टाइप ऑफ द वेरिएबल ना बताएं, बट द डिक्लेरेशन मस्ट बी देयर। लेकिन जावास्क्रिप्ट का ये कहना है कि यदि आप वेरिएबल में टाइप असाइन करेंगे सो ऑटोमेटिकली वो जो वेरिएबल है दैट कंसिडर दैट टाइप ऑफ वैल्यूज, राइट। तो आप देखिए यहां पर अगर मैंने लिखा है 50.10 प्लस 50.10, फर्स्ट वैल्यू सी दिस, इट इज 100.2। तो कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जब मैं ए में इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहा हूं, इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। यदि मैंने इसमें स्ट्रिंग असाइन की है देन इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सी दिस वन, यदि मैं दोनों वैल्यू स्ट्रिंग लेता हूं, If I'll consider 50 plus 50, it is 5050. Okay, तो ultimately concept ये है कि JavaScript में आपको variable का type बताने की requirement नहीं है, because JavaScript don't have a you can say that explicit declaration type of variable. ये implicit type conversion concept है कि आप जिस type का data variable में assign करेंगे, it is dynamically consider this variable at that type. यदि मैंने a में integer लिखा है, so the type of variable is integer. यदि मैंने string दिया है, so the type of variable is string. यदि मैंने decimal value दी है, so the type of variable is decimal here. Right? तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यदि suppose ये तो अभी हमने simply document.WriteLine से ये देख लिया कि बॉस किस तरीके से variable को declare करके हम print करते हैं. You can also use the same thing with alert also. कि यदि मान लो मैंने लिखा है A equal to 60, B equal to 20, ठीक है, and C equal to A plus B, okay, and I'll just print this value. मेरे को ये value print करना है, तो मैंने लिख दिया document.write की जगह, instead of this, I can also use alert here, alert C, so कुछ नहीं है, result मुझे alert box में मिल जाएगा, 80, लेकिन अब concept ये है कि ठीक है, variable declaration नहीं करना है, लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि data मुझे user से input लेना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सी में करते हैं या जावा में करते हैं कि सर जो भी वैल्यू है दैट आई नीड टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर, मुझे रन टाइम पे यूजर से वैल्यू रीड करना है, ओके तो यूजर से वैल्यू हम जावास्क्रिप्ट में कैसे रीड करेंगे, हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कि मैंने यहां पर बोला सर कि एक टेक्स्ट बॉक्स है और मुझे टेक्स्ट बॉक्स में यूजर से वैल्यू रीड करके दो नंबर को ऐड करना है, या मान लो मैंने आपसे बोला कि मुझे एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम ये देखते हैं कि हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम यूजर, कि वेरिएबल क्या है, ये तो मैं समझ में आ गया कि डेटा चाहे यूजर से रीड होगा चाहे आप इसमें कॉन्स्टेंट असाइन करें, बट वेरिएबल डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज को यूज करते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली लैंग्वेज, मतलब जिस टाइप का डेटा आप उस वेरिएबल में असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली इज कंसिडर दैट वेरिएबल एट दैट टाइप ओनली, राइट। तो आई होप ये छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू यूज वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। डिक्लेरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि हमेशा आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसके बाद उसको यूज करें। लेकिन अगर मैं डिक्लेयर नहीं भी करूंगा स्टिल दिस प्रोग्राम इज रन परफेक्टली, सी दिस वन, इट विल गेट द आंसर हियर, गॉट इट। बट हम हमेशा जब भी वेरिएबल को यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम आगे वैलिडेशन के कोड देखने वाले हैं जहां पर हम एक फॉर्म वैलिडेशन किस तरीके से करना उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को यूज करते हैं, गॉट इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूजर इनपुट डेटा के साथ कि यदि यही एप्लीकेशन मुझे यूजर से इनपुट लेके डिजाइन करनी है सो हाउ वी कैन यूज यूजर इनपुट डेटा विथ जावास्क्रिप्ट। तो बने रहिए इस कोर्स के साथ और प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ सो ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।